चलो जाओ खेल लो खेलो खेलो उधर। आई ये बच्चा ये भाई सबसे छोटे वाला बच्चा है, जो लास्ट मदर एक्सपायर हुई थी ना, ये उसी का बच्चा है और इसको बहुत लगा हुआ है, बहुत प्यार है। और मेरे बच्चा, अच्छा, क्या चीज। ये जाटो गेट वाला केस था जिसकी मदर एक्सपायर हो गई थी इस बच्चे की, और काफी दिन तक वो दर्द में रही क्योंकि उसका ब्लड बिल्कुल सूख चुका था करंट लगने की वजह से। और ये दूसरे वाला केस जिसकी अभी सर्जरी होनी थी, और सर्जरी से कुछ मिनट पहले इस बच्ची ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, लेकिन जाते जाते इस बच्चे को छोड़ गई। और ये बच्चा, जब इसकी माँ की हम लोग विदाई कर रहे थे उस टाइम, ये बच्चा अपनी माँ को छोड़ भी नहीं पा रहा था। बहुत गंदा और दर्दनाक मंजर था, लेकिन हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा जो इस तरह अपनी माँ से दूर हो गया, या जो माँ अपने बच्चे को बुरी स्थिति में छोड़ के चली गई, उनकी परवरिश, उनकी देखरेख हम खुद ही करते हैं, ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो जाए और वो बच्चे इतने बड़े हो जाए कि वो किसी सेंचुरी में या सेफ जगह पे सर्वाइव कर पाए। क्योंकि मोंकीज़ को घर पे पालना अलाउड नहीं है, और ये सब हमें मजबूरी में इन बच्चों की लाइफ के लिए सेव रखने के लिए करना पड़ता है, उनकी खाना पीना, उनकी देखरेख। और एक फॉरेस्ट नेचर के अकॉर्डिंग ही हम उन बच्चों की देखरेख करते हैं, चाहे उनका खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी माँ से कोई बच्चा अलग ना हो, या किसी बच्चे को छोड़ के कोई माँ अपना दम ना तोड़े, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत दर्दनाक होती है। और आज ये बच्चे हमारे पास सेफ हैं, तीनों बच्चों की लाइफ आप देख सकते हैं अभी। ये बात, ये हमारा सोतू सा बेटा, ये सोतू भाग गया इधर आओ, आज मेरे पास आ जाओ। अरे वाह भाई वाह, बाकी बच्चे कहा है, दो भाई कहा है, वो लगे हुए, वो खा रहे हैं सेब, इधर आओ। अले, ये इनकी नेचुरल जगह है भाई, पेड़ पौधे और इनको फल फ्रूट ही ज्यादातर पसंद है। आजा। कहाँ पे है दूजा भाई, कहा है? ये रहा, वो भाग गया। आजा इधर, मेरे पास आजा। चलो भाई खेल लो, ये खा ले, ये कुकड़ी पड़ी है, छली खा लो। आजा, डर गया, मेरे पास आजा। ट्रेन उठा ला, आजा मेरे बाबू आजा, ये डर गया देखो, आजा मेरे बाबू आजा, बस। ना भाई, ये आराम से खाना, वही की देखो, क्या ये? आ जाओ, संतोषी को डरा दिया, वो भागे, मेरा सोतू बेबी कहाँ गया, ये रहा, आ जाओ, एक बार इनका अपडेट दे देते हैं, बस। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारे? अच्छा, तो भाई पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज यही है कि भैया हमें बच्चा अडॉप्ट करना है। पहली बात तो ये वाइल्ड प्रॉपर्टी है और आप लोग इनको अडॉप्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि इनको घर पे पालना अनलीगल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी लोग हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो रियलिटी है, पहले हम लोगों ने पाले हैं मोंकी के बेबी, दानवीर मानवीर का केस आप लोगों को पता है, लेकिन सच्चाई है कि उस टाइम पे हम ना समझते, हमें नहीं पता था कि ये आगे चल के हम इनकी लाइफ खराब करें, और ये कड़वी सच्चाई है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस ये ले, चली खांगी, ओले ओले ले ले, आ जा, ये रही, आ जा, ये ले, अच्छा ही खा लो, ये खा ले, अच्छा चली खा लो, ये रही, अच्छा ये खा ले, चली ले, ये लो, आधी खा लो, ले, एप्पल खा ली इसको, तो एप्पल, ये एप्पल खानी है, डर भी लग रहा है, ये देखो भाई, अरे वाह भाई वाह, वो लग गए सेम में लग गए, इधर आ जा, आ जल्दी आ। तो भाई काफी लोगों को ये रहता है कि हम लोग इनको घर पे पाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज आप पाल लोगे, आज से दो साल बाद, तीन साल बाद, जब ये बड़े हो जाएंगे, छह महीने बाद, एक साल बाद, आप लोग मजबूर हो जाते हैं इनको जंगल में छोड़ने के लिए। फिर क्या ऑप्शन होता है, या तो आप इनको केज में रखोगे, या फिर आप इनको मोस्टली कोशिश ये करोगे कि इनको आप कहीं जंगल में छोड़ दो। तो वहां पे क्या है कि जो घर पे पले हुए बच्चे होते हैं, उनको जो जंगल के मोंकी है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये कड़वी सच्चाई है। काफी लोग फॉरेनर
आपकी वीडियो देख के ये सोचते हैं कि हम घर पे पालेंगे, तो इनको सिर्फ तब तक रखा हुआ है यहाँ पे, तब तक इनकी टेक केयरिंग कर रहे हैं हम लोग कि जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते। और इनको जो खाना है, दाना पानी ये नेचुरल दिया जाता है, पेड़ पौधे इसीलिए लगे हुए हैं। और इन्हीं के लिए ये मतलब पत्ते, फ्रूट, छली होगी, सेब होगी, केले होगे, यही चीज खिलाते हैं। ज्यादा मीठा मिश्र नहीं देते क्योंकि खारिश की प्रॉब्लम हो जाती है। चल गया पेड़ पे, पपीते के पेड़ पे चल गया, इसको क्लोज से दिखाओ भाई। ओए होए, ओए होए, ओए होए, अरे क्या बात है भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो हम इनको इसी वजह से अडोप्ट नहीं दे सकते और ना ही अडोप्ट करा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारा कर्म सिर्फ सेवा का है, सेवा के अलावा कुछ और नहीं। हमारी तरफ से अगर फॉरेस्ट वाले इनको आज लेके जाते हैं तो मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, मैं आज खुशी खुशी इनको दे दूं, बट एक कंडीशन पे कि आप लोग इनकी परवरिश टेक केयरिंग अच्छे तरीके से करेंगे, सेफ जगह रखेंगे। गिर गया मेरा बच्चा भाई, आज इधर आ जा, आ जा, मुंह पे लगी मिट्टी। अरे ले 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 ले, आजा प्रवीण के पास जाना, तूने इधर आ जा मेरे पास, आ जा ये देखो भाई, अले 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 अले, अच्छा तू भी ले, अच्छा, ओए ओए मेरे को छोड़ नहीं रहा, ये देखे भाई, चलो जाओ खेल लो उधर, आई ओए ये बच्चा, ये भाई सबसे छोटे वाला बच्चा है, जो लास्ट मदर एक्सपायर हुई थी ना, ये उसी का बच्चा है, और इसको बहुत लगा हुआ है, बहुत प्यार है। ओए मेरे बच्चा, अच्छा, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, ये क्या डाल रहा है मुझे, सेब भर रखी है, दिखाना भाई एक बार पास से, ये इतनी सेब किसने कहा था खाने को, इतनी सारी सेब इकट्ठी खाते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। अच्छा चलो देखियो, अरे संतोष जी को, अरे कहाँ चढ़ गया, चिंटू नीचे आ जा, चिंटू बाबू आ जा, चिंटू अपने आराम से चढ़ा ऊपर, ले तू भी इसको चल जा, बस। अरे वाह भाई वाह, संतोषी। अच्छा आ जा मेरे पास आते, मेरे को चाबी के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते इतने, आ जा। एक बेबी है मेरा छोटू सा बीबी, अरे एप्पल खा रहे मेरे बाबू, आले। ये देखो भाई, ये अब तो बड़ा हो गया है काफी, और ये वही है पहला बच्चा जो जाटो गेट से, जिसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और उस टाइम कंडीशन काफी डेड थी उसकी, लेकिन वो बच नहीं पाई थी। और ये अभी रिसेंटली जो हमारे पास एक भाई साहब जो मधुबन पुलिस लाइन में, उसमें मारुति सुजुकी के उसमें थे, वो देखे गए थे। और इधर भाग के आ जल्दी, चढ़ गया पेड़ पे, ओए नहीं, इधर आओ, आजा मेरे पास, आजा मेरे बाबू, आजा भाई, आजा, ये देखो, आजा, अच्छा आजा, हाँ चलो, अच्छा खेल लो, अच्छा आज, देखियो, छोड़ पैंट, छोड़ दे लोअर, जल्दी, अरे मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, ये एप्पल खा रहे हैं, ये देखो एप्पल खाने में लगे ही, भाग लिया, अले 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 अले, हाँ एप्पल खानी है, आपको भी खानी है, इसको भी दे दो, इसको सोते बच्चे को, बाबू ये इसको भी दे दो इसको एप्पल, ये मेरे पास आया हुआ, इसको भी दे दो एप्पल भाई, ये देखो छुपा रखा है अपना, अले, अच्छा चल के दिखाओ, चल के, कहाँ चला, ये बच्चा, सेब छोड़ दी, नीचे से क्या देख रहा, आजो इधर आओ, जल्दी आओ, चलो अच्छा खेली करते, तू भी भाग जा, ये ले ले, अच्छा ये ले, चली खा ले, नाराज हो गए, मेरे को तार कर दिया।
सिमिया ना दी इसने। अच्छा देखियो, अच्छा सॉरी सॉरी, आ जा, अच्छा मैं इधर हूँ, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ओए ओए आए मेरे बच्चा, ओए ओए ओ बच 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 बच। राम राम जी, भगवान आप सभी का भला करे। ये काफी टाइम से काफी लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे, भैया आपने बच्चों का अपडेट नहीं दिया, तीनों बच्चों का। ये वो पहला केस है जिसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और ये वो सेकंड वाला केस है जो छोटा बच्चा, ये पहले वाला है, सबसे पहले वाला ये रहा, और ये वाला केस है जिसकी मदर अभी एक हफ्ता पहले आप लोगों ने देखा भी था, जिसकी सर्जरी होनी थी, ऑपरेशन होना था। ये वो वाला बच्चा छोटा था जो अपनी मदर को छोड़ भी हुआ था, और ये वो तीसरा बच्चा है जो अभी हमारे पास आया है रिसेंटली। एक भैया दे गए थे इसको, क्योंकि वो पाल नहीं सकते और उनको भी पता भाई ये वाइल्ड में आते हैं, और इनकी टेक केयर, इनकी देख रेख फिलहाल हम यहीं पे कर रहे हैं, और ये हमारे पास ही। ये बात ये बात सेब लेके भागे, सेब लेके भागी, सेब लेके भागी, ये देखो सेब लेके भागी, सेब लेके भागी। कंचन मैम 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो भाई छोटू सा बच्चा है और एक ये सेब खा रहा है। तो काफी लोग पूछ रहे थे, एक बारी मैं इनकी प्रॉपरली डिटेल अपडेट दे देता हूँ, कौन सा बच्चा कहाँ से आया है। तो सबसे पहला ये वो बच्चा है जिसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, जो हमने रेस्क्यू किया था, जो ये क्या बोलते हैं इसको, जाटो गेट से, और ये काफी बड़ी भी होगी, इसको दो महीने के राउंड होगी इस केस को। और इसके हमने बकायदा कोई वीडियो पोस्ट नहीं की कहीं पे भी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम कोई वीडियो इस तरह की पोस्ट करते हैं तो फिर कल कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठा देता है। और ये वाइल्ड प्रॉपर्टी है, इनकी सिर्फ देख रेख फल फ्रूट पेड़ पौधे ही है, ये पत्ते खाते हैं, और जो छोटा बच्चा है इसके लिए दूध निप्पल से ही पिलाते हैं ज्यादातर, हम ये निप्पल से ही दूध डालते हैं, इसी से दूध पीते हैं ये। और एक बेबी और है छोटा सा, इधर आप आज मेरे पास आ जा, आ जा आ जा, अरे भाग गया, सेब लेके भाग गया, सेब लेके भाग गया, सेब लेके भाग गया, सेब लेके भाग गया मेरे बच्चों, आ जा आ जा, आ लो भाई केस पे भी जाना है, कॉल आ रहे हैं, लो भाई। हाँ ये किसका बच्चा, अच्छा ये किसका बच्चा है, तो पाजी सेंटर पे ही है, बस निकलते हैं अभी। हाँ हाँ ठीक है। तो भाई काफी लोगों के कॉल आ रहे थे कि हमें बच्चा अडोप्ट करना है, बच्चा मुंकी का बच्चा दे दो। पहली बात तो मैं कई चीजें क्लियर करनी है कि ये वेल प्रॉपर्टी है और फॉरेस्ट में आते हैं, इनको हम लोग अडोप्ट नहीं करा सकते, ना ही आप लोग इनको घर पे पाल सकते हो। ये भी सिर्फ इसलिए हम लोग इनकी टेक केयरिंग करें क्योंकि इनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है, और इनकी देखरेख इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद इनको फॉरेस्ट नियम के अकॉर्डिंग किसी सेंचुरी